बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्में और उनके सीन्स और गानों के लिए सब्सक्राइब करें अल्ट्रा बॉलीवुड और बेल आइकन पर प्रेस करें। मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ साहब, मैं स्मगलर नहीं हूँ साहब, मेरे को माफ कर दो साहब। स्मगलर नहीं हो तो ये गाड़ी तुम्हारा भाग चला रहा था। मैं एक मामूली सा इंसान हूँ, छोटा सा ड्राइवर हूँ साहब, मेरे को माफ कर दो, मेरे को घर जाने दो साहब। अब तो घर तुम्हारा हवाला ही बनेगा, चलो। नहीं साहब, मेरा माँ बहुत बीमार है साहब, उसको अस्पताल लेके जाना है, उसके खर्चे के लिए ये सब काम आपने अपना सर पे लिया साहब। ऐसे बहाने बहुत सुन चुका हूँ। नहीं साहब, आपने अपना माँ का कसम खाता है, आपने गॉड का कसम खाता है साहब, पुलिस स्टेशन जाने से पहले एक बार मेरे को मेरा माँ से मिलने दो, नहीं तो तड़प तड़प के मर जाएगा साहब। कहाँ है तुम्हारी माँ? बस्ती में रहता है साहब, मेरा इंतजार कर रहा होगा साहब। रॉबर्ट, रॉबर्ट। सिस्टर, ये मेरी माँ है इंस्पेक्टर साहब, मुझे मालूम नहीं कि आप माँ का मतलब जानते हैं या नहीं। मेरी माँ मर गई इंस्पेक्टर साहब, जानते हैं? जाते हुए उसने रॉबर्ट पुकारा। तुम्हारा रॉबर्ट बहुत गरीब है माँ, बहुत गरीब। किसी अमीर आदमी का स्मगलिंग का सामान अपने कंधों पे उठाकर तुम्हारे लिए पैसा कमाना चाहता था, लेकिन इस समाज या कानून का दस्तूर है कि अमीर को इज्जत मिलती है तो गरीब को जिल्लत, अमीर पैसा बनाता है तो गरीब सजा भुगतता है। रॉबर्ट की माँ मरती है तो बग्गा सेठ अय्याशी मनाता है। बग्गा सेठ? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, दौलत कमाने वाले और दौलत कमाने के लिए सब गंदे काम हमें सौंप देते हैं, और खुद बग्गा सेठ जिसका ट्रक मैं चला रहा था इस वक्त अपने जू के शैक में रंगरलिया मना रहा है, जिसका कानून कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इंस्पेक्टर साहब, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और मेरी माँ, जिसके लिए मैं कफन नहीं खरीद सकता इंस्पेक्टर साहब, मैं कफन नहीं खरीद सकता माँ। तुम यहां? पक्का सेठ, तुम यहां हंस रहे हो और वहां रॉबर्ट रो रहा है। कानून को तुम सिर्फ एक बार धोखा दे सकते हो, लेकिन गौतम तुम्हें वहीं ले जाएगा जहां तुम्हें रहना चाहिए। आखिर तुम जीत ही गए इंस्पेक्टर गौतम, लेकिन छोटे मायनों में एक बात का ख्याल रखना, अगर तुम्हारे घर में कोई पर्सनल प्राइवेट डायरी हो तो उसमें मेरा असली नाम लिख लेना, राजा भगेंद्र सिंह। तुम्हारे इस क्रोध का कारण? मुझे मुझसे नफरत, जानता हूं, लेकिन पुलिस वालों का काम मुजरिमों से नफरत नहीं, उन्हें समझना है, उनसे झगड़ना नहीं, उनके झगड़े निपटाना है, उन्हें सुधारना है। अगर वो सुधरने वाले होते तो मुजरिम ही क्यों बनते हैं? कुछ लोग मुजरिम बनते नहीं, बनाए जाते हैं। कई बार 10 दिन की भूख से सताया हुआ आदमी रोटी के लिए चोरी भी कर सकता है। मैं उन मुजरिमों की बात कर रहा हूं सर, जो लखपति से करोड़पति बनने की लालच में कितने मासूम गरीब इंसानों को पाप की आग में झुलस देते हैं। उनके लिए कानून है। कौन सा कानून? वो कानून जो बग्गा जैसे स्मगलर। गौतम, मैं सिर्फ तुम्हें यह बताने आया था कि सरकार तुम्हें ऐसे गांव में भेज रही है जहां के कानून तुम खुद बनाओगे, उनके भले बुरे की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी होगी। सर? हाँ, गरीबी से लिपटा हुआ ये गांव धर्मपुर, जहां ना धर्म है ना ईमान, ना रेल है ना बिजली, ना स्कूल है ना पुलिस स्टेशन, जहां बच्चे से लेकर बूढ़े तक सिवाय खून खराबे के और कुछ नहीं जानता, उन्हें जरूरत है एक स्ट्रांग पुलिस ऑफिसर की। गौतम, तुम्हारे मन के सवालों का जवाब ये गांव तुम्हें देगा। हमारे देश में क्यों इतने गुनाह पैदा होते हैं ये तुम्हें उस गांव में जाकर देखना होगा, और इसका हल क्या है
ये भी तुम्हें ही सोचना होगा। दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर यू माई फ्रेंड, ऑल द बेस्ट। बीते हुए कल और आने वाले कल में बहुत फर्क होता है माय सन। जो लोग पिछली बातों से घिरे रहते हैं वो सदा ही दुखों से घिरे रहते हैं। ये चैलेंज कमिश्नर वर्मा ने तुम्हें नहीं दिया, मुझे दिया है। और मैं जानता हूं वो गांव जो एक नरक है उसे मेरा बेटा गौतम स्वर्ग बनाएगा। माय सन, प्रॉमिस मी, मुझसे वादा करो कि तुम वहां जाकर मुजरिमों से नफरत नहीं करोगे। फादर, मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं नफरत नहीं करूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अपना क्रोध नहीं दिखाओगे? प्रॉमिस? प्रॉमिस। हर काम सोच समझ के करोगे? प्रॉमिस? प्रॉमिस। किसी से फाइट नहीं करोगे? प्रॉमिस? प्रॉमिस। नहीं, इसका प्रॉमिस नहीं। फिर वही बात, अगर ना प्रॉमिस करूं तो? देखो गौतम, हाँ? मैं तुम्हें मारूंगा। आप भी तो फाइट कर रहे हैं। अगर कोई नादान बालक गलती करने से ना हटे तो कभी कभी उसके भलाई के लिए उसे मारना भी पड़ता है। ये तो गीता में भी लिखा है कि गौतम, कभी कभी लगता है मैं तुम्हारा फादर नहीं हूं, तुम मेरे फादर हो। नहीं फादर, मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं कि आप जिस काबिल मुझे देखना चाहते हैं मैं उसी काबिल बनकर दिखाऊंगा। गॉड ब्लेस यू माई सन। आज मैं पहली बार अपनी आंखों से तुम्हें बहुत दूर भेज रहा हूं, लेकिन तुम जहां भी जाओगे, जहां भी रहोगे, मेरी ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ रहेंगे। अच्छा हो, ये लो आज की डाक। लाओ। सुनो सुनो। गोपाला, डाकिया, धर्मपुर। क्या तुम धर्मपुर का रास्ता बता सकते हो मुझे? देखिए भाई साहब, आप कोई नेक आदमी लगते हैं, क्यों मौत से खेलना चाहते हैं? मेरी बात मानिए, 2 घंटे बाद यही बस वापस आएगी और आप उसी में चले जाइए। मैंने आपसे धर्मपुर का रास्ता पूछा है। जरा धीरे बोलिए भाई साहब। अरे ओ गोलुआ, अरे इधर आ। यहाँ से धर्मपुर के यातायात का साधन यही है, सामान इस पे रख दीजिए और पीछे पीछे चले जाइए, 25 पैसे लेगा। मैं चलता हूँ। लाइए बाबूजी, बक्सा हमको दे दो। 15 कोस का लंबा रास्ता है पथरीला, चल लोगे? चल लूंगा। दम है? बहुत बदमाश लोग हैं धर्मपुर के, लड़ लोगे? लड़ लूंगा। बंदूक से या तलवार से? प्यार से। सुनो, आदमी तुम अच्छे लगते हो, बैठ जाओ। हा? अरे भाई देखते क्या हो, बैठ जाओ। हाँ, इस गांव में सिर्फ 2 ही अच्छे प्राणी हैं, एक मैं, दूसरी गंगा माँ। बातें अच्छी बना लेते हो तुम। कहा भी अच्छा लेता हूँ मैं। तो सुनाओगा ना? पहले एक शर्त समझ लो। तुम्हारा हमारा साथ सिर्फ गांव के बाहर तक का है। बात यह है, तुम्हें तो सरकार ने भेजा है बकरा समझकर, और मुझे कुछ दिन और जीना है। हाँ, तो कौन सा गाना सुना रहे थे तुम? गंगा माँ का, कितना मीठा गाती है वो कड़वे लोगों के बीच। अगर इन लोगों से बच जाओ तो मेरे घर आ जाना।
सरकारी भाई। वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसे, गुड लक। रेखा को कोई चंडाल भी पार नहीं कर सकता, क्यों सुकू दादा? खुश रहो बिंदास, इस ससुरे में हिम्मत है तो खुद ही निकल के दिखाए। अबे ओ अकल के अंडो, जरा अकल से काम लिया करो। बकरे को काटने से पहले जरा खिला पिला के मोटा तो कर लो। बेचारा थककर शहर से आए हैं, दो घड़ी पूरी चौकी की हवा तो खा लेने दो। संतो जी, आज तक इस गांव में कभी पुलिस चौकी बनी है जो आज बनेगी? अबे ओ तिगड़ी के पहलवान, संधू ने एक बार जो कह दिया सो कह दिया। अच्छा तो ये रामराज है, यहाँ पुलिस कानून की इन बेचारों को कोई जरूरत नहीं। फिर भी तू हो आ जा। तुम अपनी चकचक चकचक जुबान बंद करो, चलो फूटो। क्या कहा, फूट यहाँ से। अरे ओए, छह छक्कों ने मिलकर टोली क्या बना ली, अपने आपको 36 समझने लगे। मैं कहती हूँ छोड़ रास्ते इसका, छोड़। अरे ओ बड़े घर की लौंडिया, अपना रास्ता देख, यहाँ पे तेरी नहीं चलेगी। ओए मुच्छर, तूने संधो को गाली दी, तेरी तो नंदो। चल इन छह छक्कों को अपनी छट्टी का दूध तो याद दिला दे, चल चल। क्या है, मैं हवलदार नहीं हूँ, सिर्फ सपने में था। क्या रिपोर्ट लिखवाना है? जाओ अपने घर जाओ, अपने आप रिपोर्ट लिखो, अपने आप कानून बनाओ और अपने आप फैसला करो। जाओ लड़ो झगड़ो मरो, मेरे को मत। हवलदार मैं इंस्पेक्टर गौतम नाम है मेरा। छोटा बाबू। बस इससे ज्यादा रोशनी नहीं हो सकती। हाँ तो फिर क्या हुआ? वही जो होना था, दो बार इन दरिंदों ने पुलिस इंस्पेक्टर को मार भगाया और तीसरे को जान से मार डाला। अब एक साल से यहाँ कोई पुलिस इंस्पेक्टर नहीं है। बस अब तो ये नाम की चौकी है, दो तीन हवलदार हैं जो चौकी पे कम और दारू के अड्डे पे ज्यादा रहते हैं। ये चांदी का सिक्का, पढ़ो इसे। सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। 6 महीने पहले हमारे गांव में एक साधु महाराज आए थे, उन्होंने मुझे इस सिक्का दिया था। दूसरे दिन इन गुंडों ने उन्हें जान से मार डाला। तब से मुझे विश्वास हो गया है कि इस गांव में सत्य का आना सिर्फ एक सपना रह गया है। सरकारी भाई, अब तो मुझे तुम्हारी चिंता खाए जा रही है। गोपाला, यहां आते ही तुम जैसा दोस्त मिल जाना क्या मेरी जीत की निशानी नहीं? नहीं 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 सरकारी भाई, मैं तुम्हें दोस्त नहीं बनाना चाहता, क्योंकि मुझे दोस्त के खो जाने का बहुत डर लगता है। तुम निराशावादी बन चुके हो। याद रखो गोपाला, जीत एक दिन मेरी होगी और तब ये सिक्का मैं तुमसे लेने आऊंगा। नया जोश है, ये सिक्का तुम कभी नहीं जीत सकते सरकारी भाई, ये मेरे पास रहेगा, मेरे पास। रही शर्त? रही शर्त? भगवान करे तुम जीत जाओ सरकारी भाई। ये लोग इतनी रात कहां जा रहे हैं?
इस गांव में एक रावण भी है, राजा साहब, जिसके इशारे पे सब लोग चलते हैं। राजा का बूढ़ा बाप आखिरी सांसें ले रहा है, तो इन सबको हुक्म हुआ है कि महल में जाकर बूढ़े की सलामती की दुआ मांगे। यानी कि गुलामी इस कदर बढ़ चुकी है कि ना चाहते हुए भी लोग दुआ मांगने जा रहे हैं। राजा साहब नहीं आए? शांति शांति। भगवान, भगवान का नाम लेकर हमारा अपमान मत करो बड़े बाबा। बेटा धुरेंद्र, ये सब अपने कर्मों का फल है कि आज हम अपने शरीर को आसानी से त्याग भी नहीं सकते। राजा साहब, कुंडली के अनुसार बड़े राजा के सांसों की चंद घड़ियां अभी बाकी हैं, ये कष्ट इन्हें सहना ही पड़ेगा। नहीं, अरे नहीं, रंगा।